एक कप सिंघाड़े के आटे से प्लेट भर के नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आ जाइए। एक कप लीजिए सिंघाड़े का आटा, गैस की फ्लेम कीजिए ऑन और 1 से 2 मिनट इसे रोस्ट कीजिए। देन गैस की फ्लेम कर दीजिए ऑफ। अब हमें ऐड करना है 1 पोटैटो और धनिया। धनिया मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरक एंड हरी मिर्च भी ऐड हो गई है, देखिए। अब ऐड करेंगे थोड़े से रेगुलर मसाले। 1 कप आटे के लिए 3 से 3.5 कप पानी, नमक और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब करेंगे गैस की फ्लेम ऑन और हम इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर, क्योंकि इसके अंदर के जो पोटैटो हैं उसे हमें थोड़ा सा कुक करना है। तो हम प्यार से इसे 10 to 15 मिनट्स, हो सकता है 20 मिनट भी चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। साइड बाय साइड एक प्लेट में लगा लेंगे बटर। देखिए ये मिक्सचर गाढ़ा होना चालू हो गया है। इसके बाद हम इसे फिर भी चलाते रहेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की रखनी है। देखिए अब ये गिरना बंद हो गया है, मतलब कि अब ये जमने के लिए रेडी है। प्लेट पे डालकर इसे स्प्रेड कर लेंगे, चाहें तो थोड़ा सा हाथ में बटर लगाकर भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये हो चुका है रेडी। मैं इसे पीसेस में कट करूँगी नाइफ़ की मदद से। आ जाइए अब इसे करते हैं जल्दी जल्दी फ्राई। कढ़ाई थोड़ी सी ब्लैक है बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये छोटी सी है और इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। तो लुक में मत जाएं, बिलीव मी ये बहुत अल्टीमेट है और नवरात्रि में फलाहार के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि 1 कप आटे में इतना सारा स्नैक तो बन ही नहीं सकता। नॉर्मल भजिए से 4 गुना ज़्यादा बनता है ये। देखिए क्रिस्पी से सॉफ्ट से भजिए तैयार हैं हमारे सिंघाड़े के कटलेट्स। अब बारी है टेस्टिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।